डिलीवरी के दौरान हर महिला का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। ये महिला की कंडीशन पर निर्भर करता है कि उसकी डिलीवरी में कितना समय लगेगा। जैसे कि कुछ महिलाओं की डिलीवरी लेबर पेन के 2 से 4 घंटों में ही हो जाती है, वहीं कुछ को 7 से 8 घंटे का समय भी लग सकता है। डिलीवरी के समय महिलाओं को ऐसा लगता है कि सिर्फ फीमेल डॉक्टर और नर्स ही उनके प्राइवेट हिस्से को देखेंगे, लेकिन कई बार डिलीवरी के दौरान मेल डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ सरकारी अस्पतालों में तो मेल डॉक्टर ही डिलीवरी करवाते हैं। ऐसे में डिलीवरी रूम में अपनी प्राइवेसी का ख्याल दिमाग से निकाल दें। डिलीवरी रूम में डिलीवरी के दौरान मौजूद डॉक्टर और स्टाफ आपको एक साथ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे कि कोई आपको पुशिंग के लिए तो कोई ब्रीथिंग ठीक करने के लिए कह सकता है। ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उस समय आपको इंस्ट्रक्शन देना उनकी ड्यूटी होती है, जिससे कि आपकी डिलीवरी जल्द से जल्द करवाई जा सके। बेबी को पुश करते समय आपके ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, इस दौरान आपको बार बार यूरिन पास करने की फीलिंग आ सकती है और ऐसे में कई बार यूरिन भी पास हो जाता है। और कई बार बेबी को पुश करते समय बॉवेल मूवमेंट हो सकता है, यानी कि मल त्याग जैसी फीलिंग भी आ सकती है, लेकिन डिलीवरी के दौरान ये सब नॉर्मल है, क्योंकि इस दौरान आपके बॉवेल पर ज़बरदस्त दबाव होता है। ऐसे में आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस दौरान वहाँ मौजूद डॉक्टर और नर्स इन बातों को अच्छी तरह से समझती हैं। डिलीवरी के समय जब बच्चा वेजाइना से बाहर आने को होता है तो उस समय तेज़ बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन जैसा एहसास होता है। हालांकि वेजाइना में यह बर्निंग शिशु के बाहर आने के बाद ख़त्म हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कई बार डॉक्टर को टीरिंग या कट लगाना पड़ सकता है और डिलीवरी के बाद डॉक्टर इन्हें सील देते हैं, यानी कि टांका लगा देते हैं। हालांकि कुछ दिनों तक इनमें दर्द रह सकता है, लेकिन ये जल्दी ही ठीक हो जाता है। डिलीवरी रूम जाने के बाद यदि इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं। अचानक किसी चीज़ के सामने से आने से बेहतर है कि आप इस बारे में पहले से ही जानकारी जुटा लें। गुड बाय।